अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग हो रहा है बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज आप व्लॉग में देख रहे हो सूखा मेवा। यहाँ पर अपिया खोज रही है खोपरा, क्योंकि अम्मी बनाने वाले हैं पापा के लिए मेथी के लड्डू। तो इसके लिए अभी से ही प्रिपरेशन शुरू हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ यहाँ पर है, और ये है गुड़, और ये है मेथी है, ये मेथी है, किसी हुई मेथी, और ये है खसखस खसखस, और ये तो, और ये है गूंद जो हम मेथी में डालते हैं। ये डालते हैं तभी मेथी मतलब विंटर के लिए स्पेशल बनती है। और ये है पिस्ते, और ये है काजू। तो एक दिन पहले ही सब कट करके रखना होता है, और दूसरे दिन ही मेथी का जो सारा प्रोसेस है वो करना होता है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाता, इसलिए अभी से ही स्टार्ट किया है। तो बस अभी इतना बताते हैं और बाकी का कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं किचन में। तो आज हमारा प्लान है कि हम बनाएंगे कड़ी खिचड़ी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भुनी खिचड़ी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लचकी चावल यानी कि राइस और मसूर की दाल को मिलाकर खिचड़ी बना ली है। ये मैंने 3 कप ली है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन हल्दी और नमक और जीरा। तो चलो हम फटाफट से पहले इसको अच्छे से धोते हैं, और बाकी का जो हम बनाएंगे तो वो आपको दिखाते हैं। तो हमारी खिचड़ी तो रेडी हो चुकी है। अब अपिया बना रही है कड़ी। तो कड़ी के लिए बेसन अच्छे से घोल लिया है, और अब इसमें ऐड कर रही है छाछ। तो यहाँ पर हम कड़ी ज़्यादा बनाएंगे, इसलिए हमने एक दही की पैकेट डाला है और 2 छाछ के पैकेट ऐड किए हैं। किस किस की फेवरेट है कड़ी खिचड़ी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर देखिए हमने कड़ी में छाछ भी ऐड कर दी है, और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी और नमक, और थोड़े से खटास के लिए नींबू के फूल। तो यहाँ हमारी कड़ी रेडी है, अभी इसमें से तड़का लगाना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए अब तड़के का ये सामान भी रेडी है। चलो फटाफट से मारते हैं तड़का। भूख लगी मुझे। ये हमारा अब हमारी चटोरी बहन बनाएगी ये हरी मिर्ची मसाले वाली, क्योंकि कड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके बिना कड़ी खिचड़ी होती है अधूरी। तो इसको बनाने के लिए आपको पहले पतली पतली मिर्चें लेनी है, ज़्यादा तीखी ना हो, और इसको अच्छे से उसको क्लीन कर लेना है, और इसको बीच में से ऐसे लंबा लंबा कट करें, ताकि इसके अंदर हम अच्छे से मसाला ऐड कर सकें। तो जैसे मेरी अपिया कर रही है वैसे आपको करना है, उसको ऐसे बीच में से एक कट देना है, ताकि हम उसके अंदर अच्छे से मसाला भर सके। तो इस तरह से हमको करना है।
तो यहाँ पर सारी जो मिर्ची है उसको कट लगा लिया है। अब हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है, ट्राई ज़रूर करिएगा। और उसके बाद हम 1/2 टी या फिर 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। आप चाहो तो खटास के लिए नींबू या फिर लेमन या फिर लेमन के जो फूल आते हैं वो भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको खट्टा खट्टा कुछ खाने का दिल करता हो तो। हमने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। यहाँ पर हम उसको मिक्स कर लेंगे और जो कट्स लगाए थे उसके अंदर हम उसको ऐसे फील करेंगे, तो उसके अंदर जो मसाला ऐड होगा तो खाने में सच में यार क्या टेस्ट आता है ना, इतना अमेजिंग वाला। यहाँ पर थोड़ा सा हमको ऑयल ऐड करना है, एक पत्ती छोटी वाली पतीला लेना है और उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल आप थोड़ा सा ऐड करिए, उसमें राई का तड़का दीजिए और उसके बाद ये सारी जो मिर्चें जो हमने भर के रखी है उसको मसाले के साथ ही ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा दूर हो जाइए क्योंकि यहाँ पर जो मिर्च है वो थोड़ी ऐसे फूटती भी है तो आपके आँख वगैरह में भी उड़ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा दूर रहिए। और उसको ऐसे अच्छे से थोड़ा सा हिलाकर गैस की फ्लेम को लो रखना। उसके बाद आप गैस बंद करके, आपके पास छोटा सा बाउल हो तो उसमें रख देना। तो यहाँ पर फाइनली हमारी जो कड़ी खिचड़ी है वो रेडी है। तो बस आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा। तो चलो चलते, अल्लाह हाफिज़।